तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आगे हूं आपके लिए और बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी लेके। बड़ा घर है दोस्तों, 150 गज में बना हुआ है, इंडिपेंडेंट फ्लोर रहने वाले हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं एलिवेशन, स्ट्रेट प्लस 3 का एलिवेशन होने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों जो साइज रहने वाला है 150 गज का रहने वाला है। स्टिल्ट पे आपको पार्किंग मिलने वाली है और विद लिफ्ट मिलने वाला है। कनेक्टिविटी की बात करूँ, सेक्टर 123 है दोस्तों, बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के साथ। एयरपोर्ट रोड से इसका जो डिस्टेंस रहने वाला है हार्डली दोस्तों 100 से 200 मीटर रहने वाला है। और नीचे आप देख रहे हैं सारी स्टिल्ट पार्किंग मिलने वाली है आपको, विद लिफ्ट है, डेडिकेटली पार्किंग मिल जाती है। और इसमें दोस्तों नीचे अगर आपकी बात करें, सारी प्रोविजनिंग आपको, पार्किंग आपको डेडिकेटली तो मिलती है। आप देखिए ये पूरा व्यू, बहुत बड़े साइज़ की आपको ये पार्किंग मिलती है। और जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको जैसे ये रेडी टू मूव हो जाएंगे, बहुत अच्छा इसका व्यू निकल के आने वाला है। गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, सारी मेंटेज आपको अंदर मिलती है। और ये आ जाती है हमारा दोस्तों लिफ्ट एरिया, लिफ्ट बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी, रेडी टू मूव है दोस्तों। आप इसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं, पोजेशन रेडी है। जैसे ही आप इसको दोस्तों ओके करते हैं, सारी अमेनिटीज इसकी इंस्टॉल हो जाएंगी। तो आपको इसका कराता हूँ टूर, और आप भी दोस्तों में सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें। चलिए फिर चलते हैं इसके टूर पे। तो ये है हमारा 150 गज में बना हुआ सैंपल फ्लैट, बहुत बड़ा साइज, बहुत प्यारा बना हुआ और विद लिफ्ट मिलने वाला है। ये जो आप डक देख रहे हैं, ये लिफ्ट की है। तो ये आमने सामने दो ही घर रहने वाले हैं, स्टेट प्लस 3 का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। 150 गज, प्राइम लोकेशन सेक्टर 123, बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के साथ। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहला देखिए, बहुत हैवी आपको डोर मिलता है टीक वुड का, और ये आपको इसमें स्मार्ट लॉक भी मिल जाता है। आइए, जैसे ही आप अंदर आते दोस्तों, एक आपको बहुत अच्छा और बहुत प्यारा फील आने वाला। देखिए ये हमारी आ जाएगी लॉबी, पहले ही एंट्रेंस पे हमारी ये लॉबी आ जाती है। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ, 12x11 का दोस्तों इसका साइज़ रहने वाला है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों आप डिज़ाइन, ये प्लेन रहने वाले हैं। डाउन सीलिंग जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इंक्लूड रहने वाली है। फॉल सीलिंग एज इट इज़ है, फैंसी लाइट इंक्लूड नहीं रहेगी। और ये आपको सेमी फर्निश्ड मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक बैक पे बहुत बड़ी विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये आपको दिखाता हूँ इसका व्यू। यही हमारी दोस्तों जो विंडो है, हमारी बालकनी को खुलती है, और यही बालकनी हमारी कनेक्टेड है हमारे पहले बेडरूम के साथ भी। जो इसका साइज़ रहने वाला है वो है 20x5 का, बहुत बड़े साइज़ की आपको देखिए बालकनी मिल जाती है। और दोनों तरफ दोस्तों जो आप देख रहे हैं, UPVC लगा हुआ है हमारे लॉबी एरिया के साथ भी और हमारे बेडरूम के साथ भी। तो आपको उसका व्यू दिखाऊंगा बेडरूम में जाके। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। और ये आगे हम फिर से हमारे दोस्तों ड्राइंग एरिया में, और यहाँ पे आप देखिए ये हमारा आ जाता है डाइनिंग एरिया। और मैं डाइनिंग एरिया की साइज़ की बात करूँ, 16x10 का ये आपका डाइनिंग एरिया का साइज़ रहने वाला है। और यहाँ पर भी आप देखिए बहुत हैवी आपको डाउन सीलिंग मिलने वाली है। और बिल्कुल इसी के साथ हमारा आ जाएगा वॉशरूम। आप देखिए एक बार वॉशरूम का व्यू, ये दोस्तों खुफिया वॉशरूम है। खुफिया क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो साइज़ रहने वाला है वो है 5x4 का। आपका देखो बहुत प्यारी वैनिटी, रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई हैं, आपकी वॉल हैंग सीट, सारी फिटिंग आपकी जैकर ब्रांड की रहने वाली है। और ये खुफिया दोस्तों इस तरह है, जैसे ही मैं इसका दरवाज़ा लॉक करूँगा, ये देखिए, तो ये देखिए ये डिज़ाइन ऐसा बन गया कि आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे वॉशरूम है। तो एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है ये। और बिल्कुल यहीं पे हमारी कनेक्टेड आ जाती है दोस्तों मॉडर्न किचन। और ये देखिए सबसे पहले इसको पार्टीशन दिया गया वुडन के साथ, और ये बहुत अच्छे साइज़ की मॉडर्न किचन मिलती है। ये स्पेस मिल जाती है आपको रेफ्रिजरेटर के लिए। अगर किचन के साइज़ की बात करूँ, 10x10 इसका साइज़ रहने वाला है। यू शेप में किचन मिलती है, और यहाँ पर देखिए आपका डबल सिंक, आपकी सारी फिटिंग जैकर ब्रांड की है। ऊपर आपको बहुत बड़े बड़े कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक के साथ मिल जाएगा, ये आपका हाइड्रोलिक के साथ, ये आपकी चिमनी की स्पेस आ जाएगी। आप ऐसे ही दोस्तों अपनी किचन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये अगेन आपकी हाइड्रोलिक के साथ, और ये सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ। यहाँ पे भी आपको सेम एज इट इज सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलने वाला है। और बात करूँ, बिल्कुल बहुत प्यारी, बहुत बड़े साइज़ की आपको ये यू शेप में किचन मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए, ये देखिए। और इसी के साथ अगर बात करूँ दोस्तों, इस एंगल से आप देखिए हमारे डाइनिंग एरिया का व्यू,
और इसी एंगल से अगर आपको कैमरा में थोड़ा सा व्यू दिखा सके हमारे ड्राइंग एरिया का भी, तो बहुत अच्छा व्यू निकल के आ रहा है। 150 गज का बहुत बड़े साइज का ये घर रहने वाला है, और यहीं पे इस बिल्कुल फ्रंट में हमारा आ जाएगा पहला बेडरूम। इसका जो साइज रहने वाला है 11x10.6 का। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा बेडरूम। इसमें देखिए फॉल सीलिंग, डाउन सीलिंग बहुत हैवी, फैंसी लाइट को इंक्लूड नहीं रहेगी, डाउन सीलिंग आपकी रहने वाली है, ये वॉल्स आपकी प्लेन रहने वाली है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा इसका अटैच वॉशरूम, और अगेन इसमें दोस्तों इसका जो साइज रहने वाला है 7x6 का। आपकी वॉल हैंग सीट, यहाँ पे आपका विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए, रूफ हाइट तक टायर्स लगी हुई हैं, ये आपकी वैनिटी, सब कुछ ब्रांडेड रहने वाला है जैक्वार ब्रांड का ही। तो ये था हमारा अटैच वॉशरूम। इसी रूम में दोस्तों आपको मिल जाएगा एक टीवी पैनल भी, ये देखिए ये आपको टीवी पैनल ऐसे मिल जाएगा। और टीवी पैनल के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए एक बहुत बड़े साइज की UPVC दोस्तों ग्लास मिल जाता है। ये वही बालकनी है फ्रंट में जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, जो हमारे दोस्तों ड्राइंग एरिया के साथ भी कनेक्टेड है। और इस रूम की दोस्तों वॉशरूम की बात करूँ, वो आपको मिल जाता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। और यहाँ पे हमारे आ जाएंगे वार्डरोब, ये आपका दोस्तों एक ड्रेसिंग टेबल भी इसमें अटैच कर दिया गया है। और ये देखिए ड्रेसिंग टेबल का आपका ये वार्डरोब बन जाता है, देखिए स्लाइडिंग के साथ है। तो ये थे हमारे इस रूम के वार्डरोब। तो बड़े बड़े रूम दोस्तों आपको इसमें दो एटलीस्ट मास्टर बेडरूम मिल जाते हैं, क्योंकि 150 गज साइज अच्छा है और वेंटिलेटेड घर है, बोथ साइड ये ओपन भी रहने वाला है। तो दिखाता हूँ आपको व्यू हमारे सेकंड बेडरूम का। ये आ गया हमारा सेकंड बेडरूम, इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ 12x11 इसका साइज रहने वाला है। और ये देखिए बहुत अच्छा डाउन सीलिंग, देखिए इसकी बहुत हैवी, ये जो दोस्तों काम देख रहे हैं वॉल पे, आपको फैंसी लाइट इंक्लूड नहीं रहेंगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। और अगेन इसके आगे वार्डरोब, ये देखिए अगेन स्लाइडिंग के साथ। इसके नीचे दोस्तों आपको शू रैक भी मिल जाएंगे। ये देखिए रूम हाइट तक है तो स्टोरेज अच्छी मिल जाती है। और इसी रूम से हमें एक्सेस मिलता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का। और ये देखिए ये आ गया हमारा रियर कोर्टयार्ड, दोनों रूम से हमें एक्सेस मिलता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का। तो मैं आपको उसका वीडियो दिखा देता हूँ, ये देखिए UPVC के साथ है। और ये देखिए इसका जो साइज रहने वाला है वो है 13x5 का। यहीं पे आपको एक प्रोविजनिंग मिल जाती है दोस्तों टैप की, आप अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों बोथ साइड ओपन है, देखिए दूसरे घर में और इस घर में भी दोस्तों ऑलमोस्ट 10 फीट का डिफरेंस है जो नीचे से अगर आप देखोगे तो अच्छे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वेंटिलेटेड ये घर रहने वाला है। और यही बालकनी आपकी दोनों रूम के साथ अटैच है। आइए फिर चलते हैं अंदर। और इस रूम में भी आप देख रहे हैं टीवी पैनल आप ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहीं से हमारा आ जाएगा एक्सेस हमारे थर्ड बेडरूम का। तो ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम, इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ इसका साइज रहने वाला है 12x11 का। तो ये देखिए डाउन सीलिंग, देखिए बहुत प्यारी अलग डिज़ाइन के साथ आपको सेमी फर्निश घर ये मिलने वाला है। और यहाँ पे आ जाएगा इसका अटैच वॉशरूम, इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ 6x5 इसका साइज रहने वाला है, आपकी वैनिटी जैक्वार ब्रांड की, और ये नीचे आपको स्टोरेज मिल जाती है, आपकी वॉल हैंग सीट जैक्वार ब्रांड की, वॉल हैंग सारी फिटिंग, मिक्सचर शावर सब कुछ आपको जैक्वार ब्रांड का ही मिलने वाला है। तो ये आपने व्यू देखा हमारा थर्ड बेडरूम, उसका अटैच वॉशरूम। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रियल बालकनी मिलती है, वही बालकनी जो हमारे सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड है, ये वही बालकनी दोस्तों UPVC के साथ, ये देखिए। और UPVC आपको पता है साउंड प्रूफ रहते हैं। और इस रूम के ये आ जाते हैं दोस्तों हमारे अटैच हमारे वार्डरोब, जो कि आपको रूफ हाइट तक मिलने वाले हैं। तो ये देखिए नीचे आपको शू रैक भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे साइज के आपको शू रैक मिल जाते हैं। और ये हमारे आगे वार्डरोब। तो ये था दोस्तों व्यू हमारा 150 गज में बना हुआ 3BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर विद लिफ्ट, साइज अच्छा है दोस्तों और लोकेशन बहुत अच्छी है, सेक्टर 123 की है। आप भी इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं। और उसके साथ साथ आपको दोस्तों हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आती है कमेंट जरूर कर दिया करें,
और जितना हो सकता है सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर भी कर दिया करें। इसकी सारी प्राइसिंग साइजिंग लोकेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है, वो जरूर चेक कर लें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।